और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एलडीए प्लॉट के लिए 5 लाख रुपए वसूलने वाला बाबू निलंबित हुआ है और नगर निगम के कर्मचारी से 5 लाख रुपए वसूले थे। प्लॉट नहीं मिलने पर पीड़ित ने वीसी से शिकायत की थी और पूछताछ में वीसी के सामने पैसे लेने की बात इसने कबूली। तो शिकायत के बाद बाबू राजीव दिग्वे को तलब किया गया था और शिकायत की पुष्टि होने पर राजीव दिग्वे को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर ये लखनऊ से। तो शिकायत के बाद बाबू राजीव दिग्वे को तलब किया गया था, उन्होंने अपने पैसे लेने की बात को कबूला और शिकायत की पुष्टि होने पर निलंबित किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां एलडीए के प्लॉट के लिए 5 लाख रुपए वसूलने वाला बाबू निलंबित हुआ है और नगर निगम के कर्मचारी से 5 लाख रुपए लिए थे और प्लॉट नहीं मिलने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद बाबू को तलब किया गया और इसने इस बात को कबूला कि उसने पैसे लिए थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। नीलेश ज्यादा जानकारी देंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश। ये जो बाबू है उसने 5 लाख रुपए बताया जा रहा है कि एलडीए के प्लॉट के लिए लिए थे, निलंबित किया गया और क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, आम जनता की सहूलियत के लिए नागरिक सुविधा दिवस कल से शुरू किया गया है, जो हर सप्ताह लगाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो प्राधिकरण में आने वाली शिकायतों को खत्म करने के लिए ये जो है नागरिक सुविधा दिवस शुरू किया गया, जिसमें तमाम शिकायतें आई थी, जिसमें एक शिकायत आई थी कि जो बाबू है उन्होंने सुविधा शुल्क के नाम पर 5 लाख रुपए लिए थे, जो अब कहीं ना कहीं पीड़ित को वापस नहीं कर रहे हैं। जब बाबू से इस बात को लेकर बातचीत की गई, अधिकारियों ने जो शिकायतकर्ता थे उससे पूरी जानकारी लेने के बाद बाबू से जब बात की तो बाबू ने स्वीकार किया कि उसने 5 लाख रुपए सुविधा शुल्क के नाम पर लिए थे, जिसके बाद वो पैसा जो है किसी अधिकारी को दिया था और अधिकारी वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में फ्लैट दिलाने के नाम पर ये 5 लाख रुपए की सुविधा शुल्क लिया गया था, जिसके बाद बाबू को निलंबित किया गया और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में जब जनता वहां पर कोई काम कराने के लिए जाती है, सुविधा शुल्क के नाम पर उनसे मोटी रकम ली जाती है और जब जनता उसकी शिकायत करती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि शिकायत करने के तुरंत बाद ही बाबू पे एक्शन हुआ और बाबू को निलंबित किया गया और अधिकारी जिसको पैसा देने की बात कही जा रही है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही पूरी जानकारी आएगी तो अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन नीलेश, चूंकि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पे लगाम लगाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अब भी सरकारी कार्यालयों में बैठे बाबू बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे लोगों का? देखिए बिल्कुल, बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि सरकार एक तरफ उनको जो है लाखों रुपए का पेमेंट इसलिए करती है ताकि वो जनता को सहूलियत मुहैया करा सके, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त बाबू हैं जो कार्यालयों में बैठे रहते हैं, जब तक उन पैसा ना दिया जाए तब तक वो जो है किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो लंबे अरसे से एक ही जगह पर जमे जो बाबू हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई देते हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। उसी के तहत ये आरोप लगा था कि 5 लाख रुपए सुविधा शुल्क के नाम पर लिए गए हैं। जब इसकी जानकारी हुई, पड़ताल की गई तो बात सही पाई गई, जिसके बाद बाबू को निलंबित किया गया है और अब अधिकारियों के ऊपर भी नकेल कसने की तैयारी है, क्योंकि बाबू ने कहा कि 5 लाख रुपए उसने काम कराने के एवज में लिए थे जो किसी अधिकारी को दिए थे। अब उस अधिकारी के ऊपर भी सस्पेंशन की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर बाबू के ऊपर कार्रवाई करके पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो शिकायत के बाद इसे गंभीरता से लिया गया और उसके बाद कार्रवाई करते हुए एक बाबू को निलंबित किया गया है। शिकायत की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।